दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्लेंस DSLR इन फोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है क्या, इसको कैसे यूज़ करना है। दरअसल दोस्तों, ये एक तरह का DSLR फोटो क्लिक करने के लिए, यानी आपके कैमरे को DSLR के तौर में कन्वर्ट कर देगा, ये एप्लीकेशन कहना है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं क्या है, कैसे है और कैसे काम करता है। फिलहाल में अभी ये एप्लीकेशन है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.2 की रेटिंग मिली हुई है। हम जस्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी के लिए इसको मैं कट कर दूंगा और फाइनली यहाँ पर कुछ ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है फ़िल्टर कौन सा चाहिए, तो सनराइज़ का है कि सनसेट का है ये देख लेंगे। तो अभी मेरा सनराइज़ का सीन है, सनराइज़ का फीचर लगाऊंगा और यहाँ पर जाऊंगा क्लिक करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ओके दोस्तों। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पहले आपको टर्न ऑन कैमरा करना होगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा और फाइनली कैमरा ऑन हो चुका है। और अभी जो है फ़िल्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो फ़िल्टर कई सारे हैं। तो अभी जैसे फ़िल्टर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक तरह का कह सकते हैं कि आपका जितने भी फ़ोटो क्लिक किए होंगे वो सब शो करेगा। देखिए बैक हो गया, चलिए फिर से मैं ओपन करता हूँ। फ़िल्टर की बात करते हैं, यहाँ फ़िल्टर आ चुका है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, अब आप कौन सा ये लगाना चाहते हैं, देखो अभी मैं फ़ोटो लगाता हूँ ऐसा वाला। अब देखो कितनी कमाल से ये पूरी तरह से लुक चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला है, ठीक है, ये है, फिर ये है, जो भी आपको समझ में आए फ़िल्टर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं सनराइज़ का लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर आफ्टर रैन, सनराइज़ का ही लेता हूँ। देन अब यहाँ से क्या करना है, कुछ करना नहीं है। फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर भी और भी सारी चीज़ें दी है, लेकिन छोड़िए ये सब प्रो वर्जन के लिए, जो फ्री है वो दिखा रहा हूँ मैं। अब क्या करना है आपको, सिंपल है, फ़ोटो क्लिक कर देना है। इस ये फ़ोटो क्लिक हो गया हमारे फ़ोन में। अब इस फ़ोटो को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर और भी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं फाइलें, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा, ये सब फ़िल्टर वगैरह है। ये जो फ़ोटो था वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसको देखने के लिए यहाँ पर नीचे सबसे एरो में क्लिक करेंगे, ये जो एरो आप दिख रहा था हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका वर्क, आपका एल्बम वगैरह सब शो करेगा, ठीक है। अभी देखो ये शो नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ इशू हो। तो अभी देखो ये फिर से यहाँ पर आ चुका है, ये जो आपका फ़ोटो होगा गैलरी में भी शो करेगा। चलिए मैं गैलरी में ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है कि मेरे फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ फ़ोटो आ जा रहा है, ठीक है ना। ये एक सेटिंग ऑन होना होता है, जैसे जो अलाउ करते हैं परमिशन ना स्टोरेज का, उसको अलाउ कर देंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग वगैरह दिया है जिसमें आप फ़ोटो सिग्नेचर, यहाँ पर हाफ हैंड, ये सब वगैरह सब सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बाद में अब अगर बात करें होम पेज पे आने का, तो यहाँ से फ़ोटो कर सकते हैं। वहीं से बगल में आपको वीडियो का भी दिया है, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको फ्लैश ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये चीज़ दी, अगर आप इस पर क्लिक करना चाहिए, टाइमिंग चीज़ है, यानी कितने टाइमर पर आप क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर मिलता है JPEG और स्पीड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है A+, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये है ऑटो लेंस वगैरह है, जो टाइम लैप वगैरह लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बगल में एक और चीज़ दिया है, ये है, अगर आपको फ़िल्टर हटाना यानी रिफ्रेश करना है तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, ओके। इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर मिलता है ये चीज़ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर जो साइज़ है वो सब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल साइज में चाहिए यानी या फिर हॉरिजेंटल साइज में चाहिए तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जस्ट बगल में एक चीज़ और दे रहा है ये वाला, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां से आपको ये सब यहां पर अदर ऐप मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल से चीज़ें हैं, जो मैं ज़्यादा इसको ये डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल सा है। यहाँ पर आइएगा, फ़िल्टर पर यूज़ करिएगा, जो भी फ़िल्टर पसंद है उसको क्लिक करिएगा। लास्ट में आप फोटो जो भी क्लिक करना हो वापस आप फोटो इस तरह क्लिक कर लीजिएगा और ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, ठीक उसी तरह वीडियो की है। अगर आपको वीडियो लेना है तो आपको यहाँ से सब